ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो अज्ञायाणम नमो लोए सौव साहूणम अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है तिन को स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को न माय स्तुति को उचारी है धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। वक्तामर स्तोत्र आदिनाथ भगवान की स्तुति जिसमें की गई है और मानतुंग आचार्य देव द्वारा रचित यह भक्तामर स्तोत्र हम देख रहे हैं। हमने 16 छंद हमने यहाँ पे देखे। लास्ट टाइम हमने जो 16वें नंबर का छंद देखा था एक बार हम उसका रिवीजन करते हम आगे जाते हैं। यहाँ पे जगत के दीपक और भगवान का आदिनाथ भगवान का जो केवल ज्ञान रूपी दीपक है उन दोनों की तुलना की थी, क्योंकि जो जड़ दीपक है तो जड़ दीपक तो धुआं सहित है, धुआं सहित होता है और वो बत्ती सहित होता है, उसमें तेल भी भरना पड़ता है ना, और वो थोड़ी जगह को ही प्रकाशित करता है और हवा आते ही वो दीपक बुझ जाता है। परंतु हे आदिनाथ भगवान, आपका जो केवल ज्ञान रूपी दीपक है तो वो दीपक तो ऐसा दीपक है कि जिसमें धुआं बत्ती तेल इनकी कोई आवश्यकता नहीं है और आप तो संपूर्ण जगत को क्या करने वाले हो, प्रकाशित करने वाले हो। और यहाँ पे कहा कि पहाड़ों को हिला देने वाली वायु से भी आप कभी गम्य नहीं होते हो, माने आप कभी आपका केवल ज्ञान का कभी नाश नहीं होता है। ऐसे आप संसार के पूरे जगत को, संसार को, तीन लोक को प्रकाशित करने वाले आप एक अपूर्व दीपक हो। कैसे दीपक हो? अपूर्व दीपक हो। आपका केवल ज्ञान रूपी दीपक अपूर्व है, ये 16वें नंबर के छंद में कहा। हम आगे बढ़ते हैं, 17वें नंबर के छंद पर आते हैं, 17 नंबर का छंद, उसमें क्या कहा है। देखो 17 नंबर का जो छंद है उसमें भगवान को सूर्य के साथ तुलना की, जो सूर्य होता है उसके साथ भगवान की कंपैरिजन की। और जो 18वें नंबर का छंद है उसमें चंद्रमा, चंद्रमा के साथ भगवान की तुलना की है, माने उसकी भगवान और चंद्रमा का कंपैरिजन किया है। पहले हम 17वें नंबर का छंद देखते हैं, पहले हम छंद को पढ़ते हैं। नास्तम कदाचिदुपयासीन राहुगम्य स्पष्टी करोषि सहसा युगपज्जगन्ती नाम्बोदरोदर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशायी महिमा सिमुनिंद्र लोके। इसकी पहले हम शब्दावली देखते हैं, 17 नंबर के छंद की शब्दावली, उसके अर्थ देखते हैं। मुनिंद्र माने हे मुनियों के इंद्र, हे मुनियों के कौन? इंद्र। आप कदाचित कभी न, नास्तम है ना, माने न अस्तम, न अस्त दशा को उपयासी माने प्राप्त होते हो,
न राहु गम्य राहु के द्वारा ग्रसे जाते हो और न अंबोदर उदर माने न मेघों के द्वारा निरुद्ध महाप्रभाव महान तेजशाली प्रभाव निरुद्ध होता है। युगपद एक साथ जगंती माने तीन लोक को सहसा माने शीघ्र स्पष्टि करोति माने प्रकाशित करने वाले लोके माने इस संसार में सूर्यातिशायी माने सूर्य से अधिक महिमासी माने महिमा वाले हो। एक एक लाइन का पहले अर्थ करते हैं। सबसे पहली लाइन में कहा कि आप हे मुनिंद्र नास्तम कदाचिदु पायसी न राहु गम्य माने आप राहु के द्वारा राहु के माने आप कभी भी अस्त नहीं होते हो माने आपका केवल ज्ञान कभी भी अस्त नहीं होता है। जैसे जो सूर्य होता है तो वो सूर्य का तो उदय होता है और 8-1 घंटे के बाद 6-8 घंटे के बाद उसका अस्त हो जाता है। वो उदय होता है और अस्त को प्राप्त होता है और वो कहीं कहीं ही प्रकाशित करता है माने कहीं किन सारे क्षेत्र को प्रकाशित नहीं करता। जैसे वो अभी यहाँ पे इंडिया में उसका प्रकाश है तो अमेरिका में वहां पे रात है। अभी भरत क्षेत्र में उदय है सूर्य का तो विदेह क्षेत्र में वहां पे रात है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जैसे सूर्य का उदय तो थोड़ी जगह को ही प्रकाशित करता है, एक साथ सबको प्रकाशित नहीं करता और अस्त को प्राप्त हो जाता है। परंतु आपका केवल ज्ञान हे जिनेन्द्र भगवान कभी अस्त को प्राप्त नहीं होता है, कभी नाश नहीं होता है। और फिर कहा कि राहु के द्वारा आप ग्रसीभूत नहीं होते हो। जैसे जो सूर्य का विमान होता है ना, सूर्य का विमान इधर राहु शब्द है, परंतु दो विमान और बताए हैं राहु और केतु। सूर्य और चंद्रमा के विमान के अलावा दूसरे दो कौन से? राहु और केतु। तो जो राहु विमान है ना वो चंद्रमा को ग्रसीभूत करता है राहु, और जो केतु नाम का विमान है तो वो सूर्य के ऊपर आवरण डालता है, उसके ऊपर वो आवरण डालता है माने उसको ग्रसीभूत करता है, उसको ढकता है। कौन सा विमान? केतु, वो सूर्य को ग्रसीभूत करता है, और राहु होता है वो चंद्रमा को ग्रसीभूत करता है। ये राहु और केतु विमान दोनों काले रंग के कृष्ण रंग के होते हैं और ये सूर्य और चंद्रमा के विमान से बड़े होते हैं, एक एक योजन बड़े होते हैं राहु और केतु विमान। तो ये क्या करते हैं? तो जो ग्रहण ग्रहण हम देखते हैं ना, ग्रहण होता है तो ये इसीलिए होता है कि केतु का विमान सूर्य के विमान के नीचे आ जाता है तो उस समय ये ग्रहण की दशा बनती है। और जो राहु का विमान होता है वो चंद्रमा के विमान के नीचे आ जाता है। यहाँ पे कहा कि जो राहु, यह शब्द राहु है परंतु अपने को केतु समझना है। जैसे वो लौकिक सूर्य केतु के द्वारा गम्य है, ढका जाता है, ग्रसीभूत किया जाता है, परंतु आप तो ऐसे, आपका केवल ज्ञान तो ऐसा है कि किसी के द्वारा आप ग्रसे नहीं जाते हो, ग्रसीभूत नहीं हो सकते हो, आपके ऊपर कोई आवरण नहीं डाल सकता है। ये यहाँ पे कहा। फिर देखो क्या कहा दूसरी लाइन में कहा कि क्या कहा कि आप पूरे जगत को, तीनों जगत को युगपद सहसा माने क्या शीघ्र तीनों जगत के लोक को माने तीन जगत को तीन लोक को प्रकाशित करने वाले हो, स्पष्टता से प्रकाशित करते हो,
स्पष्टीकरोषी आया ना, स्पष्टीकरोष माने आप तीन लोक को स्पष्टता से क्या करते हो, प्रकाशित करते हो, प्रकाशित करने वाले हो तीन लोक को। युग 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 पद जगंती, युग युग पद माने क्या, एक साथ आप तीन लोक को जानने वाले हो। अभी मैंने कहा कि सूर्य कहीं प्रकाशित होता है तो दूसरी जगह पे अंधकार होता है, रात्रि होता है ना। हम देखते हैं कि अभी यहाँ पे इंडिया में दिन है तो अमेरिका में क्या है, रात है। तो ये तो अब ये केवल ज्ञान है ना, केवल ज्ञान आदिनाथ भगवान का जो केवल ज्ञान है वो तो तीनों लोकों को एक साथ प्रकाशित करता है, और वो भी कैसे, युगपत एक साथ प्रकाशित करता है, और शीघ्र कहीं रुकावट के बिना, क्रम के बिना, है ना, पहले इसको जाने फिर उसको जाने, ऐसा नहीं, तीनों लोक को एक साथ युगपद क्या करता है, स्पष्टता से प्रकाशित करते हैं। कौन, भगवान का केवल ज्ञान। और फिर देखो तीसरी लाइन में कहा कि मेघ के द्वारा, शब्द आया ना, ना बोधरो दर माने उदर, उदर माने मेघ, उदर माने क्या, मेघ। तो मेघ के द्वारा जो जल से भरे हुए होते हैं ना, जो जल से भरे हुए मेघ है, तो उनके द्वारा भी आप क्या नहीं होते हो। यहाँ पे कहा, देखो यहाँ लिखा है अर्थ में, न मेघ के द्वारा महान तेजशाली प्रभाव निरुद्ध होता है। क्या कहा, कि मेघ के द्वारा भी आप ढके नहीं जाते हो, माने बादलों के द्वारा भी आप क्या नहीं होते हो। तो कहते हैं आप ढके नहीं जाते हो बादलों के द्वारा भी, है ना, जो जल से भरे हुए बादल है उनके द्वारा भी आप ढके नहीं जाते हो। नीचे अर्थ में अपन पढ़ते हैं, देखो उसका प्रताप मेघ द्वारा ढक लिया जाता है, किन का, सूर्य का, सूर्य का प्रताप तो मेघ द्वारा ढक दिया जाता है, बादलों के द्वारा वो ढका जाता है, परंतु आपका केवल ज्ञान ऐसा है कि बादलों के द्वारा ढका जाता नहीं है। ये 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 तीसरी लाइन में ये अर्थ हमने देखा। और चौथी लाइन का अर्थ ये कहा कि आप क्या हो, तो कहते हैं कि आपकी महिमा सूर्य से भी अधिक अतिशय वाली है, आप सूर्य से भी अधिक अतिशय वाले हो। हे जिनेन्द्र देव, आप सूर्य से भी कैसे हो, तो कहते सूर्य से भी आप अधिक अतिशय वाले हो। मुनिन्द्र, मुनिन्द्र माने मुनियों के नाथ, मुनिन्द्र माने मुनियों के नाथ कौन, ऐसे आदिनाथ भगवान। मैं ये पूरे श्लोक का वापस एक बार अर्थ करती हूँ। पूरे श्लोक में केवल ज्ञान की महिमा की है, पूरे श्लोक में आदिनाथ भगवान के द्वारा जो केवल ज्ञान प्रकट हुआ है उसकी महिमा हुई है। और सूर्य से भी अधिक अतिशय वाला केवल ज्ञान होता है, ऐसा यहाँ पे 70वें नंबर के छंद में बताया। सूर्य तो यहाँ पे कहा ना कि एक साथ सबको प्रकाशित नहीं करता, परंतु आपका केवल ज्ञान तो एक साथ सबको प्रकाशित करता है, और एक केवल ज्ञान सबको प्रकाशित करने में, परंतु मध्य लोक में आपको पता होगा कि मध्य लोक में असंख्यात सूर्य और चंद्रमा है, असंख्यात सूर्य और चंद्रमा, तो भी सब जगह पे प्रकाशित नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं कहीं रात है और कहीं कहीं दिन है। ढाई द्वीप में 132 सूर्य और 132 चंद्रमा बताए हैं ढाई द्वीप में, और पूरे मध्यलोक में कितने असंख्यात द्वीप, असंख्यात सूर्य और असंख्यात चंद्रमा, तो भी कहते हैं कि सब को एक साथ प्रकाशित नहीं कर सकते हैं, परंतु आपका एक केवल ज्ञान पूरे लोकालोक को क्या करता है, प्रकाशित करता है। देखो सबसे पहली लाइन में कहा कि आपका केवल ज्ञान कभी अस्त नहीं होता है, राहु द्वारा गम्य नहीं होता है, और आप तीन लोक को स्पष्ट रूप से क्या करते हो, प्रकाशित करते हो, तीन लोक को आप स्पष्ट रूप से प्रकाशित करते हो, और जल से भरे हुए जो मेघ है, बादल है, उनके द्वारा भी आप ढके नहीं जाते हो, आपका प्रभाव महान है, और आप सूर्य से भी, हे मुनिन्द्र, हे मुनियों के नाथ,
आप लोक के सूर्य से भी ज्यादा अतिशय वाले हो। आपकी महिमा बहुत है, आपकी महिमा सूर्य से भी अधिक अतिशय वाली है। ऐसा ये 17 नंबर के छंद में कहा। आज हम एक और छंद देखते हैं, 18वें नंबर का छंद। मैं यहाँ से छंद पढ़ती हूँ। नित्योदयं दलित मोह महान्धकारम् गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानम् विभ्याजते तव मुखाब्ज मनल्क कांति विद्योत यज्जगत पूर्वशशांग बिंब। नित्योदयम्, इसका हम अर्थ देखते हैं पहले। अठारवे नंबर का के छंद का हम पहले शब्दावली देखते हैं। नित्योदयम्, देखो यहाँ पे अब चंद्रमा के साथ भगवान की कंपैरिजन की, भगवान के केवल ज्ञान की यहाँ पे तुलना की है कि चंद्रमा का प्रकाश कैसा और भगवान का केवल ज्ञान कैसा होता है। 18वें नंबर का छंद। नित्योदयम्, नित्य उदित रहने वाले कौन? आप नित्य उदित रहने वाले हो। दलित मोह महांधकारम्, मोह रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले हो। आप कौन हो? आप मोह रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले। दो चीज बताई पहली ही लाइन में। आप नित्य उदयी रहने वाले हो, आपका उदय नित्य रहता है। चंद्रमा का उदय नित्य नहीं रहता है, वो रात्रि में आता है, परंतु सुबह सूर्य का उदय होते ही वो अस्त हो जाता है। परंतु आप तो नित्य उदयी, नित्य उदित रहने वाले हो। दलित मोह महांधकारम्, मोह रूपी पाप को, दलित माने पाप, दलित माने क्या? दलित माने नाश, माने मोह रूपी अंधकार को, दलित माने नाश, मोह रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले हो। और राहु वदनस्य न गम्यम्, राहु के मुख, वदन बोलते ना, वदन हिंदी में शरीर को भी वदन बोलते हैं, परंतु यहाँ पे वदन माने मुख, राहु के मुख द्वारा ग्रसे जाने के अयोग्य हो। माने आप राहु के द्वारा ग्रसीभूत नहीं होते हो। वहां पे कहा था, सूर्य को कहा था कि सूर्य केतु के द्वारा ग्रसीभूत हो जाता है, चंद्रमा राहु के द्वारा ग्रसीभूत हो जाता है, परंतु आप ना केतु से ग्रसीभूत होते हो और ना राहु से ग्रसीभूत होते हो। फिर कहा, वारिदानाम न गम्यम, मेघों के द्वारा छिपाने के अयोग्य हो। मेघों के द्वारा भी आप क्या नहीं होते हो? मेघों के द्वारा भी, पटलों के द्वारा भी क्या नहीं होते हो कि उनके द्वारा भी आप रोके नहीं जाते हो। आप रोके नहीं जाते हो मेघों के द्वारा भी, बराबर ना, छिपाने के अयोग्य है। क्योंकि जब मेघ आ जाता है, मेघ बादल आते हैं, तो चंद्रमा ढक जाता है, परंतु आपका केवल ज्ञान मेघों के द्वारा भी, मेघों के द्वारा भी छिपाने के अयोग्य है। अनकल्प कांति, अनकल्प अल्प बोलते हैं थोड़ा, और अनअल्प बोलते हैं अनल्प बोलते हैं बहुत, अल्प बोलते हैं थोड़े को और अनल्प बोलते हैं बहुत, बहुत अधिक कांति वाले। अनल्प माने बहुत कांति, बहुत कांति। जगत संसार को विद्योत माने प्रकाशित करने वाले। क्या कहा? विद्योत तय माने प्रकाशित करने वाले। तव माने आपका, मुखाब्जम माने मुख कमल, और अपूर्व शशांक बिंबम माने सूर्य चंद्र मंडल की तरह विभ्राजते माने शोभित होता है। देखो यहाँ पे भगवान के मुख की बात की कि आपका जो मुख है, आपका जो मुख कमल है, वो किसके तरह शोभायमान है? वो अपूर्व चंद्रमा के समान शशांक बिंब, शशांक बिंब माने
चंद्रमा के बिंब के समान आपका मुख कमल क्या हो क्या है, तो कहते अति शोभायमान, अति शोभायमान है क्या आपका मुख कमल, और मेघों के द्वारा आप छिप नहीं सकते हो और अधिक कांति वाले हो, संसार को क्या करने वाले हो, प्रकाशित करने वाले हो, क्या करने वाले हो प्रकाशित, विभ्याजते, विभ्याजते शब्द है ना, विभ्याजते माने क्या, विभ्याजते यहाँ पे लिखा है ना, विभ्याजते माने शोभित होना, सुशोभित होना, विभ्याजते माने सुशोभित, आपका जो मुख कमल है वो कैसा सुशोभित होता है, तो कहते हैं कि चंद्रमा की तरह, चंद्रमा की तरह प्रकाशित करने वाला आपका, आपके मुख कमल की कांति अति शोभायमान है, किसके तरह, चंद्रमा के तरह, चंद्रमा के बिंब के तरह आपका मुख कमल कैसा है, तो कहते अति कांति वाला है, अति कांति वाला शोभायमान है, प्रकाशित करने वाला है, प्रकाशित करने वाला है, ऐसा आपका मुख कमल है। और पहली दो लाइन में कहा कि आप नित्य उदित रहने वाले हो, आपने मोह रूपी अंधकार को नाश किया है, और राहु के द्वारा आप गम्य नहीं हो, और मेघ पटल के द्वारा आप क्या नहीं होते हो, आप कभी भी ढके जाते नहीं हो, आप ढके नहीं जाते हो, है ना, आप छिपे नहीं जाते हो, ऐसे आप भगवान, आप सुशोभित हो, है ना, आपका मुख चंद्रमा के तरह सुशोभित होता है, आपका, आपके केवल ज्ञान की अपूर्व महिमा है कि ना वो राहु के द्वारा केतु के द्वारा क्या होता है, ग्रसीभूत होता है। ऐसे यहाँ पे इस दो छंद में, 17 और 18 नंबर के छंद में भगवान के केवल ज्ञान, आदिनाथ भगवान के केवल ज्ञान की महिमा गाई और सूर्य और चंद्रमा के साथ तुलना की, कंपैरिजन किया सूर्य के साथ, और 18 नंबर में तो सूर्य के समान बताया कि सूर्य के समान आपका मुख कमल क्या होता है, अति कांति वाला सुशोभित शोभायमान हो जाता है, है ना, ऐसा आपका मुख है, आपका मुख कमल है। ऐसे जिनेंद्र भगवान आपकी महिमा गाकर, आपके गुणानुवाद करके हमें भी ऐसी दशा प्राप्त हो, इसी मंगल भावना के साथ हम स्वाध्याय पूरा करते हैं। हमने आज 17 और 18 नंबर का छंद देखा, कल हम दूसरे दो छंद 19 और 20 नंबर का छंद हम देखेंगे, ऐसी दशा हमें भी प्राप्त हो, इसी मंगल भावना के साथ हम स्वाध्याय पूरा करते। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। बोलो बोलो अम्बाला विद्यनाथ सीमंदर भगवान की जय। बोलो 3 कम 9 करोड़ सर्व भावलिंगी महाम निराज की जय हो। जिनवाणी मात की जय हो। अनंत अनंत उपकारी कहान गुरु देव की जय। जिन शासन जैन धर्म की जय हो।